जहां आज हम शुरुआत करते हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट की। तो यहां पर जब हम जावा और डेटाबेस की कनेक्टिविटी की अभी जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जावा की डेटाबेस कनेक्टिविटी विद MySQL। तो हम जो अभी JDBC में कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं स्टेप वन पे, वहां पर हमारा डेटाबेस क्या होगा MySQL। आपको पहली स्टेप में ड्राइवर लोड करना है, सेकंड स्टेप में आपको डेटाबेस कनेक्शन ओपन करना है, थर्ड स्टेप में आपको क्वेरी एग्जीक्यूशन करना है, और फोर्थ स्टेप में आफ्टर कंप्लीशन ऑल दिस टास्क यू नीड टू क्लोज दिस कनेक्शन। तो ये स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे जावा को डेटाबेस से कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फेयर एडवांस जावा के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम शुरुआत करते हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट्स की। स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं किस तरीके से हम जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर आपने मेरे MVC आर्किटेक्चर के लेक्चर को अटेंड किया है, 1 tier 2 tier 3 tier आर्किटेक्चर पे हम लोगों ने जब बात की थी, तो हमने यहां पर उस समय डिस्कस किया था कि जब भी हम जावा और डेटाबेस की कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो यह बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आप जावा की किस एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर जब हम जावा की बात करते हैं, सो देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन जो अभी हम जावा में बनाने वाले हैं। लाइक एक जो आप पढ़ के आ रहे हैं, दैट इज अ कंसोल एप्लीकेशन, है ना, जो हमने अभी बात की थी कि जावा की कंसोल एप्लीकेशन। सेकंड, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे स्विंग्स को यूज करके किस तरीके से हम जावा में डेस्कटॉप एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। ओके, यूजिंग स्विंग्स हम ये बात करने वाले हैं, और ये हमारा कोर जावा का कॉन्सेप्ट था जो हमने पढ़ा, कंसोल एप्लीकेशन, कंसोल जावा जो हमने बात की थी, राइट। देन हम बात करते हैं जावा में वेब एप्लीकेशन की, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, यूजिंग सर्वलेट एंड JSP की वेब एप्लीकेशन हम जावा में किस तरीके से डिजाइन करेंगे। बट मैटर ये नहीं करता है कि आप जावा में कौन सी एप्लीकेशन बना रहे हैं, ये आपके जावा एप्लीकेशन है, लेकिन इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को अगर डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है फॉर डेटा स्टोरेज और फॉर रिट्राइविंग द डेटा, तो यहां पर हमें बात करनी है जावा और डेटाबेस की कनेक्टिविटी की, राइट। लेकिन जब हम जावा और डेटाबेस की कनेक्टिविटी की बात करते हैं, ये मेरा डेटाबेस है, ठीक है, अगर मैं जावा को डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा हूं, तो मुझे सबसे पहली स्टेप में ये सोचना है कि मेरा डेटाबेस कौन सा होगा, क्यों, किस डेटाबेस को हम जावा से कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस अकॉर्डिंग टू दैट हमें यहां पे स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, ड्राइवर लोड करना पड़ेंगे, ठीक है, ड्राइवर क्या होते हैं ये समझना पड़ेंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ डेटाबेसेस आर अवेलेबल, लाइक हमारे पास डेटाबेस है, लाइक वी हैव ओरेकल, वी हैव, ठीक है, मेरे पास MySQL है, ठीक है, हमारे पास PostgreSQL है, ठीक, कि हम जिसको यूज कर सकते हैं PostgreSQL को। इसके अलावा हमारे पास है MS Access, ओके। अब आप इनमें से किसी भी डेटाबेस को यूज कर सकते हैं फॉर जावा एप्लीकेशन, राइट। लेकिन अभी जो हम डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात करेंगे, मैं आपको सारे डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन अभी जिस स्टेप की हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करूंगा, तो हमारा बैकएंड जो होगा या हमारा जो डेटाबेस होगा, अभी फिलहाल जिस डेटाबेस को हम यूज करेंगे वो होगा MySQL। लेकिन देन आफ्टर हम ओरेकल से कनेक्टिविटी भी देखेंगे, हम PostgreSQL से कनेक्टिविटी देखेंगे, हम MS Access से कनेक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए SQL सर्वर, ठीक है, देयर इज अनदर डेटाबेस SQL सर्वर, SQL सर्वर माइक्रोसॉफ्ट। तो ये आप समझिए कि हमने पहले भी जब आपने SQL पढ़ा है, अगर आपने, सो यू नो वेरी वेल कि बॉस आप इनमें से किसी भी डेटाबेस को यूज करें, इन सारे डेटाबेसेस में कॉमन कॉन्सेप्ट ये है, दिस ऑल आर RDBMS डेटाबेसेस, ये सारे RDBMS डेटाबेसेस हैं, ओके। तो RDBMS डेटाबेस चाहे MySQL को यूज करें, ओरेकल को यूज करें, क्वेरीज 90% क्वेरीज सभी में एक जैसी रन होगी, राइट, कि चाहे वो डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करने की बात हो, क्रिएट करने की बात हो, डिलीट करने की बात हो, राइट। तो यहां पर जब हम जावा और डेटाबेस की कनेक्टिविटी की अभी जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जावा की डेटाबेस कनेक्टिविटी विद MySQL। तो हम जो अभी JDBC में कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं स्टेप वन पे, वहां पर हमारा डेटाबेस क्या होगा MySQL। बट यहां पर आप समझिए वन थिंग, जो कि मैंने आपको एडवांस जावा के टाइम भी बोली थी, कि हमारी एडवांस जावा की कुछ प्री रिक्विजिशंस ये है कि यदि आप एडवांस जावा पढ़ रहे हैं, दैट मीन यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर जावा, और यदि आप डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो यू हैव टू नॉलेज अबाउट SQL। आपको SQL पता है, आप SQL जानते हैं, क्योंकि यहां पर आप देखिए जब मैं जावा को MySQL से कनेक्ट करूंगा, सो ऑब्वियसली बात है टू कम्युनिकेट विद दिस डेटाबेस हमें डेटाबेस की लैंग्वेज यूज करना पड़ेगी,
राइट, क्योंकि जावा डेटाबेस की लैंग्वेज नहीं जानता है और डेटाबेस जावा की लैंग्वेज नहीं समझता है। हम दो ऐसे सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं जो आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझते, तो वो कम्युनिकेशन किस तरीके से करेंगे वो तो हमारी आगे की स्टेप है। लेकिन आप इनमें से अगर किसी भी डेटाबेस को यूज कर रहे हैं फॉर जावा कनेक्टिविटी, तो इन सारे डेटाबेसेस में वन थिंग इज कॉमन, दैट कि अगर आप इनमें से किसी भी डेटाबेस को यूज करते हैं तो ये डेटाबेस जिस लैंग्वेज को यूज करते हैं फॉर डेटा कम्युनिकेशन, दैट इज एन एसक्यूएल, इट्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो आई होप कि आप एसक्यूएल जानते हैं, और यदि आपने एसक्यूएल नहीं पढ़ा है तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि पहले आप मेरे एसक्यूएल के कोर्स को कंप्लीट करें, उसके बाद आप जावा और MySQL की कनेक्टिविटी को समझें। क्योंकि जब तक आप एसक्यूएल नहीं समझेंगे तब तक आपको जावा और MySQL या किसी भी डेटाबेस की कनेक्टिविटी में दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि आप सिंपल सी बात है ना, आप सोचिए अगर मैं आज आपको जावा पढ़ा रहा हूं, एडवांस जावा, एंड यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, यू डोंट नो अबाउट मल्टी थ्रेडिंग, यू डोंट नो अबाउट कलेक्शन, यू डोंट नो अबाउट कोर जावा कॉन्सेप्ट, तो आप कैसे एडवांस जावा में प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, किस तरीके से समझ पाएंगे? उसी तरीके से यदि मैं MySQL को यूज कर रहा हूं, तो जब हम MySQL को, चलिए मैंने स्टेप समझा दी जावा को डेटाबेस से किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, लेकिन अब जब मैं जावा में डेटा को स्टोर करने के लिए क्वेरीज लिखूंगा, जब हम क्योंकि एक्चुअली MySQL या किसी भी डेटाबेस में जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो डेटाबेस जिस लैंग्वेज को समझता है वो लैंग्वेज है SQL, लाइक क्रिएट कमांड, इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड, अपडेट कमांड, ठीक है, यहां पर आपको DDL, DML, DCL कमांड पता होनी चाहिए। तो जब तक आप SQL नहीं जानते हैं आप किस तरीके से डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे? तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट SQL, देन फर्स्ट यू नीड टू कंप्लीट द SQL कोर्स विच इज फ्रीली अवेलेबल फॉर यू इन डेटा फिलर वेबसाइट। ठीक है, मैंने आपके लिए SQL का बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन किया है, तो आप सबसे पहले उस SQL को कोर्स को कंप्लीट करें, उसके बाद देन सेकेंड स्टेप में आप एडवांस जावा को कंप्लीट करें। राइट, तो अब आप देखिए, और यदि आप SQL जानते हैं सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन इजीली कवर दिस कॉन्सेप्ट, यू कैन इजीली कम्युनिकेट जावा विद डेटाबेस। तो जब हम जावा और डेटाबेस की कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर यह मैटर नहीं करता है कि हम कंसोल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं या डेस्कटॉप एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन। राइट, हम यहां पर बात कर रहे हैं जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है। ओके, और आप समझिए ये पूरी कनेक्टिविटी हम दो तरीके से पढ़ने वाले हैं, मतलब इस पूरे JDBC को मैं आपको दो तरीके से समझाने वाला हूं, एक विदाउट यूजिंग आर्किटेक्चर जो कि अभी हम बात करेंगे सिंपल कि कैसे जावा एप्लीकेशन डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगी, किस तरीके से डेटा स्टोरेज होगा, एंड सेकेंड फेज में हम बात करेंगे ORM आर्किटेक्चर की, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो वो ORM आर्किटेक्चर आप तब समझ पाएंगे जब स्टेप वन पे आप जावा को कंप्लीट डेटाबेस कनेक्शन के साथ स्टेब्लिश करना सीख लेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ORM आर्किटेक्चर क्या है और किस तरीके से हम आर्किटेक्चर को यूज करेंगे फॉर दिस कम्युनिकेशन। ओके, तो यहां पर हम बात करते हैं अब कि यदि मैं जावा को डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा हूं, देन व्हाट इज द स्टेप आई नीड टू फॉलो, मुझे क्या क्या स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी स्टेप टू कनेक्ट डेटाबेस। ठीक है, कि अगर आप जावा और डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं, देन फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में, और वो स्टेप क्यों है, Why we go with that steps, right? तो सबसे पहली स्टेप ये है कि अगर आप जावा और डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं, then step one, you need to load the driver. सबसे पहले आपको करना है ड्राइवर लोड। अब ये ड्राइवर लोड क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, डोंट वरी, पहले आप स्टेप समझ लें एक बार कि सबसे पहले जब भी हम जावा और डेटाबेस की कनेक्टिविटी की बात करते हैं, और नॉट ओनली जावा, आप समझिए यदि आप पाइथन को भी डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, अगर आप .NET एप्लीकेशन को भी डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, तो स्टेप वन पे आपको सबसे पहले ड्राइवर लोड करना है। वो कैसे होगा, क्या होगा, ड्राइवर क्या होते हैं, पूरी एक एक स्टेप आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। आप पहले एक बार स्टेप समझ लें कि पहले स्टेप में आपका ड्राइवर लोड हो गया, जब आपका ड्राइवर लोड हो गया तो सेकेंड स्टेप पे आपको आना है डेटाबेस कनेक्शन पे। सेकेंड स्टेप में हम बात करेंगे डेटाबेस कनेक्शन की, ठीक है, ये हमारी सेकेंड स्टेप होगी जहां पर हम डेटाबेस कनेक्शन की बात करेंगे कि पहली स्टेप में आपको ड्राइवर लोड करना है। जब ड्राइवर लोड होगा तो ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा कि नाउ जावा डेटाबेस कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, वो ड्राइवर क्या करते हैं मैं अभी आपको समझाता हूं, नहीं तो एक बार अगर ड्राइवर स्टार्ट कर दिया तो फिर स्टेप्स रह जाएंगे, इसीलिए पहले एक बार स्टेप समझ लेते हैं। तो स्टेप टू कनेक्ट
अ डेटाबेस विद जावा, पहली स्टेप ड्राइवर लोड, सेकंड स्टेप पे आपको डेटाबेस कनेक्शन करना है, तीसरी स्टेप पे जब आपका डेटाबेस कनेक्शन हो जाएगा, थर्ड स्टेप वी नीड टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड्स, वी नीड टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरीज। अब मुझे एग्जीक्यूट करना है एसक्यूएल क्वेरीज को, क्योंकि एक बार जब आपका ड्राइवर लोड हो गया, डेटाबेस कनेक्शन हो गया, तो तीसरी स्टेप में हम बात करेंगे डेटा को इंटरचेंज करने की, जावा से डेटा डेटाबेस में जाएगा या डेटाबेस का डेटा जावा में आएगा, राइट। तो डेटा को स्टोर करना है तो वी नीड टू फायर इंसर्ट इनटू कमांड, अगर मुझे डेटा लेके आना है तो वी नीड टू यूज सिलेक्ट कमांड। तो ये सारे कम्युनिकेशन होगा यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी के साथ। क्या हम एसक्यूएल क्वेरी का एग्जीक्यूशन देखेंगे कि किस तरीके से हम जावा में एसक्यूएल की कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे, कि एसक्यूएल की कमांड जो है वो एसक्यूएल में एग्जीक्यूट होती है, वो डेटाबेस में एग्जीक्यूट होती है। लेकिन अगर हमें जावा से कम्युनिकेशन करना है तो मुझे ये सारी एसक्यूएल की कमांड्स एक्चुअली जावा में लिखनी पड़ेगी। तो तीसरी स्टेप में हम एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना ड्राइवर लोड डेटाबेस कनेक्शन, तो ये एक्चुअली हम बोलते हैं डेटाबेस कनेक्शन को हम ओपन करेंगे, वी ओपन द डेटाबेस कनेक्टिविटी, राइट। कि स्टेप वन पे आपने ड्राइवर लोड कर दिया, डेटाबेस कनेक्शन आपने ओपन कर दिया, ठीक, एंड देन आपने एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑल द टास्क वी नीड टू क्लोज दिस कनेक्शन, आपको नेक्स्ट स्टेप में कनेक्शन को क्लोज करना है। तो आप देखिए ये चारों स्टेप इसलिए नहीं है कि मैं डेटाबेस को MySQL से कनेक्ट कर रहा हूं, आप किसी भी एप्लीकेशन को, जावा की किसी भी एप्लीकेशन को आप इनमें से किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, चाहे वो आपका Oracle हो, MySQL हो, SQL सर्वर हो, आप किसी भी डेटाबेस को अगर यूज करेंगे देन फर्स्ट स्टेप में, सॉरी, यू नीड टू फॉलो ऑल दिस स्टेप्स, कि आपको पहली स्टेप में ड्राइवर लोड करना है, सेकंड स्टेप में आपको डेटाबेस कनेक्शन ओपन करना है, थर्ड स्टेप में आपको क्वेरी एग्जीक्यूशन करना है, और फोर्थ स्टेप में आफ्टर कंप्लीशन ऑल दिस टास्क यू नीड टू क्लोज दिस कनेक्शन। तो ये स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे जावा को डेटाबेस से कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। आई होप यहां तक अभी आप चीजें समझ पा रहे हैं कि हम जब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वी नीड टू फॉलो दिस फोर स्टेप्स। अब वन बाय वन हम बात करेंगे यहां पे कि ड्राइवर लोड का मतलब क्या है, ड्राइवर हम क्यों लोड करेंगे, ठीक है, और जब ड्राइवर लोड होगा तो एग्जैक्टली इससे होगा क्या। देन सेकंड स्टेप में हम बात करेंगे डेटाबेस कनेक्शन किस तरीके से ओपन करना है, थर्ड स्टेप में हम बात करेंगे क्वेरी एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, राइट, एंड देन लास्ट स्टेप में हम कनेक्शन क्लोज की बात करेंगे। तो आई होप ये पहली स्टेप आपको समझ में आई है जो हमने पार्ट वन में अभी बात की है कि बॉस जब भी जावा और हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी की बात करेंगे सो व्हाट इज द स्टेप वी नीड टू फॉलो, कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, ओके। और इसके लिए मैं अभी यहां इसलिए रुका हूं क्योंकि स्टेप वन पे अगर मुझे जावा और डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो सबसे पहली स्टेप में आपको अपने सिस्टम पे इस डेटाबेस को इंस्टॉल करना है। तो यदि आपके पास MySQL है then it is well and good, पर यदि MySQL नहीं है तो पहली स्टेप में MySQL को इंस्टॉल करें, उसके बाद फिर हम इस कनेक्टिविटी की शुरुआत करते हैं। तो MySQL को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, MySQL की इंस्टॉलेशन स्टेप्स क्या है, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे SQL के कोर्स को आप रिफर करें, जहां पर हमने MySQL के इंस्टॉलेशन से लेके MySQL के सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। तो पहली स्टेप में आप अपने सिस्टम को रेडी कर लीजिए, जावा तो ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन अगर आप डेटाबेस कनेक्शन चाहते हैं सो यू नीड टू इंस्टॉल दिस MySQL इन योर मशीन। तो हम पहले MySQL के इंस्टॉलेशन को समझ लें, ओके, और उसको समझने के लिए मैंने भी आपको बोला है प्लीज रेफर माई वीडियो ऑफ MySQL इंस्टॉलेशन, राइट। तो आई होप आपको यहां तक अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि क्या स्टेप्स होती हैं जब भी हम जावा और डेटाबेस की कनेक्टिविटी की बात करते हैं, चाहे वो डेटाबेस आपका इनमें से कोई भी डेटाबेस है, ओके, एंड दीज आर द स्टेप्स विच वी नीड टू फॉलो। अब हमारी नेक्स्ट लेक्चर होगा जहां पर हम इन सारी स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि वाई वी शुड गो फॉर लोड द ड्राइवर, व्हाट इज डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ एसक्यूएल क्या होगा, किस तरीके से हम जावा में एसक्यूएल की कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे, ओके, एंड देन फाइनली कनेक्शन क्लोज की बात करेंगे, ओके। सो आई होप ये स्टेप्स आप अभी ठीक है इतनी समझ पाए हैं कि आपको समझ में आ गया कि हाँ ये स्टेप्स फॉलो करनी है। वो क्या है ड्राइवर लोड, अभी नो डाउट मैंने समझाया नहीं है तो आपने समझा नहीं है, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक एक करके इन सारी स्टेप्स का
एग्जीक्यूशन हम देखते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में JDBC पार्ट 2 के साथ, जहां पर हम इन स्टेप्स के डिटेल डिस्कशन की बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।